नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 न्यूज। खबर है देवरिया से। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, फीडरों पर डीएमएसपी डटे रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता रही बेहाल। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से। बिजली वितरण करने वाले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों और अधिकारियों में जबरदस्त रोष है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जनपद के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। इनमें जूनियर इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता तक के कर्मचारी और अफसर शामिल हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल से विद्युत समस्या पैदा हो जाने पर आम जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघ द्वारा घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को भी रही, जिसके कारण शहर से लेकर तहसीलों, ब्लॉकों के घरों की बत्ती गुल रही। हालांकि शहर में डीएम और एसपी के प्रयास से दोपहर बाद कुछ जगहों पर बिजली बहाल हुई। सोमवार शहर में बिजली गुल होने से नाराज शहरवासियों ने देर रात सुभाष चौक कॉपरेटिव चौराहा पर सड़क जाम कर दी। आनन फानन में सदर एसडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक सीओ ने मौके पर पहुंच आश्वासन देकर जाम हटवाया। वहीं जिलाधिकारी अमित किशोर सोमवार देर रात तक बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल कराने को लेकर रामलीला फीडर पर पहुंच गए और बिजली बहाल कराने के लिए डटे रहे। देर रात शहर के कुछ मोहल्लों में बिजली सप्लाई शुरू हुई तो कुछ मोहल्लों की बत्ती रात भर गुल रही। स्टार 70 न्यूज की कवरेज देवरिया से, विनीत मिश्र, अंकित की रिपोर्ट।